कानपुर के बचरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत देर रात चोरों ने 5 घरों को निशाना बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। मामला पुराना सीसाओ इलाके का है, जहां अज्ञात चोरों ने घर का कीमती सामान समेत लाखों की चोरी को अंजाम दिया। तो वहीं इसमें एक बंद घर में चोरों ने चोरी के साथ ही आग भी लगा दी। ये घर नोएडा की निजी कंपनी में कार्यरत विजय का है। वहीं मामले में सूचना मिलने के बाद बचरिया थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। एसीपी सीसाओ निशांक शर्मा का कहना है कि चोरी की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर जांच के लिए गई थी। फिलहाल पीड़ित पक्ष की तरफ से अब तक चोरी हुए माल की लिखित डिटेल नहीं मिली है। ये कल रात की घटना है। एक घर में चोरी का मामला संज्ञान में आया है। जिनके घर में चोरी की घटना हुई है, जब उनसे संपर्क किया गया तो वो नोएडा में नौकरी करते हैं और 25 दिन से लगभग ये घर बंद था। तो उनका ये कहना है कि वो जब आएंगे तो अपनी तहरीर देंगे, तहरीर प्राप्त होते ही हम लोग इसमें मुकदमा पंजीकृत करेंगे और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बोल उनका बेटा, मेरा 16 जो साला है, जिनका बेटा नोएडा में नौकरी करता है, तो सास मेरी वो नोएडा में ही थी। अभी कुछ दिन पहले दिसंबर में हो गई थी, तो यहाँ पर रात में चोर आए, उन्होंने ताला तोड़ के चोरी करी है। मोहल्ले से पता चला तो हम लोग पास में रहते हैं, आए सुबह और यहाँ पर देखा आके तो अंदर ताला टूटा हुआ था और सब स्टोर में सब चोरी करी थी। इसके अलावा वो सब आग लगा गए थे, जितने कपड़े रजाई गद्दे ऊनी कपड़े थे वो सब जल गए हैं, पूरी गृहस्थी जला गए हैं वो। और करीब ज्वेलरी 2 चैन थी, 3-4 अंगूठियाँ थी, कुछ कैश था जो उन्होंने फ़ोन पे मुझे बताया, लगभग 10-15 हज़ार रुपये का कैश है और 2 चैन है, 3-4 अंगूठियाँ हैं। ये उन्होंने बताया मुझको कि कितने इतना सामान वहाँ लाकर में रखा था, तो अलमारी तोड़ के वो लाकर खोल गए हैं। और वो कितने महीनों से बंद था? ये दिसंबर में वो लोग गए हैं, दिसंबर से बंद था। हम लोग को सूचना है, यहाँ पड़ोस में रहते हैं सामने, उन्होंने बताया कि यहाँ पे ताला खुला हुआ है, जरा देखिए आके क्या है। तो आए तो यहाँ पे कमरे में पूरी अंदर दरवाज़ा खोला तो पूरा धुआं धुआं भरा हुआ था, बिल्कुल आग सुलग रही थी। कल रात में मंदिर का ताला बंद करके, पूजा आरती के बाद मारती का ताला बंद करके सब लोग अपने अपने घर चले गए। जब सवेरे देखा गया तो मंदिर का ताला टूटा हुआ था। यहाँ पर एक दान पत्र होता है जिसमें जिसकी जो स्वच्छा होती है वो डालता है। इस 23 फरवरी को वार्षिक उत्सव माता रानी का, माता काली का होता है हर साल के भांति। तो ये हुआ था कि क्या नाम कार्यक्रम के समीप तो खोला जाएगा, लेकिन सवेरे आए तो पता चला कि यहाँ से मंदिर का ताला तोड़ के अंदर गुल्लक जो रखा हुआ था दान पत्र का, वो चोर चुरा ले गए। और इसी से आगे हमारे घर के कोने में एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई है, और कुछ लोगों से पता चला पीछे क्षेत्र में भी 2-3 जगह घर के कमरे ताले टूटे हैं। कितना शिकायत किया? अभी हम लोगों ने सूचित कर दिया है पुलिस को। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMDNewsFlash।